हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्रिल और मैं हूं आपके साथ मीखा। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। गोवर्धन की पूजा के पीछे भगवान कृष्ण की लीला मानी जाती है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी कनिष्ठ उंगली से गोवर्धन पर्वत को हाथ से उठा लिया था। साथ ही में एक संदेश भी दिया कि अहंकार और अभिमान मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि क्या है गोवर्धन पूजा का महत्व और गोवर्धन पूजा पर कैसे पाएं श्री कृष्ण की कृपा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इसे लोग अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। दिवाली के ठीक एक दिन बाद पड़ने वाली गोवर्धन पूजा की काफी मान्यता है। इस दिन अपने घरों पर लोग गोबर की पूजा करते हैं। द्वापर युग से शुरू हुई इस पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण और गौ की पूजा की जाती है। चलिए आपको बताते हैं गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त। गोवर्धन पूजा इस बार सोमवार 28 अक्टूबर को पड़ रही है, जिसमें पूजा का सायंकाल मुहूर्त दोपहर 3:24 से शाम 5:36 तक रहेगा। गोवर्धन पूजा के दिन गायों की सेवा करने से लाभ होता है। इस दिन गाय को स्नान कराकर उन्हें सजाकर उनकी पूजा करना चाहिए। अपने हाथ का बना भोग गाय को जरूर खिलाना चाहिए, इससे आपको पूजा का पूरा फल मिलता है। गोवर्धन पूजा की पूजा विधि। प्रातःकाल शरीर पर तेल मलकर स्नान करें। घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन का चित्र बनाएं। रोली, चावल, खीर, बताशे, जल, दूध, पान, केसर, फूल से दीपक जलाकर पूजा करें। गोवर्धन पूजा की कथा सुनें, प्रसाद वितरण करें और सबके साथ भोजन करें। आज के दिन कुछ उपाय भी किए जाते हैं जिन्हें करने से लाभ मिलता है। संतान प्राप्ति का उपाय। आज दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से पंचामृत बनाएं, फिर उसमें गंगा जल और तुलसी मिला लें। इसके बाद भगवान कृष्ण को शंख में भरकर पंचामृत अर्पित कर दें। क्लीन कृष्ण क्लीन का 11 माला जाप करें। अब पंचामृत ग्रहण करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। गोवर्धन पूजा पर आर्थिक संपन्नता और समृद्धि के लिए भी उपाय किया जाता है। आर्थिक उन्नति का उपाय। गाय को स्नान करवाकर उसका तिलक करें, उसके बाद उसे फल और चारा खिलाएं, फिर गाय की 7 परिक्रमा करें। इसके बाद गाय के खुर के पास की मिट्टी लेकर कांच की शीशी में अपने पास रखें। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। साथ ही अचूक उपाय करके संतान और धन प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया जा सकता है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।